हेलो, गुड इवनिंग एंड नमस्ते टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल वाओ फिजिक्स। तो आज हम लोग जो यूनिट सेकंड है क्लास 11 की, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, विच इज़ राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, तो प्लीज़ जाके वो चेक करना और उसके बाद ये वीडियो देना, ताकि आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, हमको उसकी नीड क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है इसकी, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड कर लिए थे, फिर हमको राउंड ऑफ करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो जब आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का वीडियो देखा होगा या फिर अपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे कोई कैलकुलेशन है, मैथमेटिक कैलकुलेशन है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिविज़न हो, तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो इनपुट के अंदर होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ आउटपुट के अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो। इनपुट एंड आउटपुट में चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके लिए हम काफ़ी बार ऐसे करते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम करते हैं आउटपुट के अंदर। तो उसके लिए ये रूल जो होता है ना राउंडिंग ऑफ का, वो बहुत ज़रूरी होता है। ये जो मैंने बोला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन हम लोग जब एग्जाम्पल की फॉर्म में पढ़ेंगे तब ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ तीन बेसिक रूल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट रूल इज प्रिसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय वन इफ अनसर्टेन डिजिट इज मोर देन फाइव। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई, लेकिन कैसे? हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ नंबर 2.567। ओके, दिस इज़ द नंबर। नाउ इन दिस नंबर वी हैव फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बट वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दीज इंटू थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हम लोग सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते 2.56 और हो गया, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। वही रूल है राउंडिंग ऑफ के रूल्स। तो रूल नंबर वन इज़, ये जो डेटा है तीन डिजिट तक हमको कोई चेंजेस नहीं करना है, हमको इस डिजिट में चेंज है, हमको उसको हटाना है, क्या करना है उसके लिए हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं। तो आपको चेक करना है कि ये जो डिजिट है ना, दिस इज़ आर अनसर्टेन डिजिट, ठीक है, बिकॉज इस डिजिट को हम हटाना चाहते हैं। इसके आगे वाले डिजिट को चेक करो, अगर इसके आगे वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है, इज़ मोर देन 5, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिसीडिंग डिजिट इज़ रेज्ड बाय 1। अगर ये जो डिजिट है 7, वो 5 से ज़्यादा है, तो हम इसके आगे वाले डिजिट यानी 6 को 1 से बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.57। तो इस टाइप से हमको राउंड ऑफ करना है। दूसरा रूल है प्रिसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ अनसर्टेन डिजिट इज लेस देन 5। तो यहाँ हमको क्या करना है, सेम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2.564। अब इस अनसर्टेन डिजिट को चेक करो, अगर ये 5 से कम है तो हम लोग इस रूल पे आएंगे, हाँ तो ये 5 से कम है। तो सेकंड चीज़ क्या करनी है, इसके आगे वाला जो डिजिट होगा ना, अगर ये 5 से कम है, तो इसके आगे वाले डिजिट में कोई चेंजेस नहीं करने, इसको एज इट इज़ रखना, लेफ्ट अनचेंज्ड, यहाँ लिखा हुआ लेफ्ट अनचेंज्ड, मतलब कोई चेंज नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 2.56। ओके, नाउ रूल नंबर 3 इज़, ये तो बात हो गई कि जो भी अनसर्टेन डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है तो क्या करना है, लेकिन अगर वो डिजिट 5 है तो क्या करना है। तो अगर हमारे पास ये जो अनसर्टेन डिजिट इज 5, तो इसके अंदर दो केसेस आएंगे। फर्स्ट केस आएगा इवन, सेकेंड इज ऑड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये वाला जो डिजिट है ना, हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ नंबर 2.545, ठीक है, तो इवन के केस में है, इसके अंदर क्या चेक करना, हमारा जो अनसर्टेन डिजिट है वो 5 है, ठीक है, यहाँ पे हमको ये रूल लग जाएगा क्योंकि अनसर्टेन डिजिट 5 है। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी विल चेक कि ये वाला डिजिट इवन है या ऑड है। इवन है, तो इवन के केस में हमको कोई चेंजेस नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिख देना है और इसको हमको ड्रॉप कर देना, तो ये हो जाएगा 2.54, ठीक है। और इसकी जगह हमारे पास डेटा होता है 2.575, तो ये वाला डिजिट 5 है,
लेकिन इसके आगे वाला जो डिजिट है ना, प्रिसीडिंग डिजिट, वो क्या है, 7, विच इज़ अ ऑड नंबर. तो ऑड नंबर होगा उस केस में हम इसको कर देंगे प्लस 1 और इसको ड्रॉप कर देंगे. तो ये हो जाएगा 2.58. तो बेसिकली तीन रूल्स के बारे में अपने बात करी है. फर्स्ट रूल के अंदर हमको सिर्फ दो डिजिट को देखना है, जो लास्ट अनसर्टेन डिजिट है ना उसको चेक करो और उसके आगे वाले डिजिट को चेक करो. अनसर्टेन डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले को 1 से बढ़ा दो, अगर वो 5 से कम है तो आगे वाले को एज इट इज़ रख लो, पीछे वाले को हटा दो. और फिर अगर वो 5 ही है तो उस केस में दो चीज़ें कंसिडर करनी है कि आगे जो ये डिजिट है आगे वाला वो इवन है या ऑड है. इवन है तो कोई चेंज नहीं करना, ऑड है तो 1 से प्लस कर देना. ओके, दिस इज़ द रूल. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन हियर. Each side of a cube is measured to be 7.203 meter. What are the surface area and volume of the cube to appropriate significant figures? Okay, इसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए. We have to find the surface area and the volume of the cube. तो अगर हम लोग surface area की बात करें तो cube का surface area होता है 6a square. ठीक है, तो हम लोग simply a की value हमको यहाँ पर given है, तो we can write 7.203 का स्क्वायर. मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है तो मैं इसकी फाइनल वैल्यू लिख देती हूँ. ये आ जाएगा कुछ 311.29925. और ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया हुआ था, वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो. ठीक है, वी हैव द वैल्यू हियर. नाउ अब हमको आना है, जब हमने सिग्निफिकेंस फिगर्स पढ़ा था ना तो उसके अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर दो रूल पढ़े थे, एक था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, दूसरा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए. तो हमको यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. तो हमको मल्टीप्लिकेशन का रूल देखना है. उसके अंदर क्या था कि इनपुट के अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना उतना ही आउटपुट में होना चाहिए. अगर सिर्फ एक ही डेटा है, यहाँ पे एक ही है तो हम लोग वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर दो से तीन डेटा है, दो तीन डेटा को मल्टीप्लाई करना, तो उस केस में हम ये चेक करेंगे कि किस डेटा के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, उतने ही हमारे फाइनल रिजल्ट होंगे. मैं अभी भी बोल रही हूँ, पहले जाके पिछले वाला वीडियो चेक करो, तब आपको ये चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा. ठीक है, ये हमारे पास एक ही डेटा है तो हमको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं. यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास है 4, तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके अंदर भी हमको 4 डिजिट्स चाहिए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स. लेकिन यहाँ पर देखो रिजल्ट इतना लंबा चौड़ा है. ठीक है, 4 डिजिट चाहिए तो हम लोग सिंपली 311.2 नहीं लिख सकते. यहाँ पे काम आता है कि हमको कैसे इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में चेक कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस राउंडिंग ऑफ नंबर्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग इसको हटा देते हैं, तो 311. ठीक है, और ये चौथा डिजिट, ये मैंने आपको बताया था ये हमारा अनसर्टेन डिजिट है, इससे पहले वाले डिजिट को चेक करो. ठीक है, हमको उसको 4 में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा अनसर्टेन डिजिट है 9. ठीक है, तो हमको 9 को, मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ. तो ये वाला जो डिजिट है ना इसको हमको चेक करना है, ये हमारा अनसर्टेन डिजिट है, इसको हमको हटाना है. तो इसको हटाना है तो इसके आगे वाले प्रिसीडिंग डिजिट को चेक करो, विच इज़ 2. ठीक है, नाउ दिस वैल्यू 9 इज़ मोर देन 5 से ज़्यादा है. तो जब भी हमारी अनसर्टेन डिजिट 5 से ज़्यादा होती है तो उसके आगे वाली जो डिजिट होती है ना उसको हम 1 से प्लस कर देते. तो ये हो जाएगा 311.3. तो इस टाइप से हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इसी टाइप से वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³, तो 7.2 है तो इसको हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं, 7.203 का क्यूब. तो ये कुछ आ जाएगा हमारा वॉल्यूम इक्वल्स टू, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, 7.145. ठीक है, ये हमारे पास डेटा आ गया. अब डेटा तो आ गया, ठीक है, लेकिन हम लोग फिर अगेन यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट से 4 और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो इसको 4 में कन्वर्ट करना है. तो 4 को एज इट इज़ रखो और इसको देखो ये 5 से ज़्यादा है 5 से कम है, 5 से कम है तो आगे वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे और पीछे वाले को हटा देंगे. तो ये हो जाएगा 373.7 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब हमारे पास टॉपिक आता है कुछ रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है. अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमको ये चेक करना है कि अगर कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस चल रही है, ऑपरेशन चल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, तो उस केस में राउंड ऑफ को कैसे यूज़ करना. तो इसको भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट की, जब एरर्स की बात करेंगे तब क्या होगा. तो लेट्स टेक अ रेक्टेंगुलर शीट. वी हैव अ
रेक्टेंगुलर शीट जिसकी लेंथ हमको गिवन है 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमको गिवन है 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, गिवन है। अब हमको निकालना है एल बी, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विच विल बी एल बी, ठीक है। अगर हमको एरर नहीं गिवन होती ना, ये नहीं गिवन होती, तो हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते, हमारे पास हमारा एरिया आ जाता है। लेकिन यहाँ पे गिवन है, तो इस केस में हमको कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो हमको सिंपली लिखना है 16.2 मल्टीप्लाई बाय 10.1 प्लस एरर। मैं लिख रही हूँ एरर, अगर हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब एरर कैसे कैलकुलेट करनी है, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है एरर कैलकुलेशन के अंदर क्या चीज़ है, तो आप जाके चेक करना वो वीडियो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में एरर को हम लिखते हैं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। हियर दिस इज डेल्टा ए, दिस इज डेल्टा बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए बी, दिस इज डेल्टा ए एंड दिस इज डेल्टा बी। वैल्यू पुट कर लो और हमको निकालना क्या है, डेल्टा एक्स निकालना एरर, दिस इज डेल्टा एक्स। तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, डेल्टा ए कितना है हमारा 0.1 अपॉन 16.2 प्लस 0.1 अपॉन 10.1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और जो एक्स है ना वो हमारी ये वैल्यू है, ये वाली, दैट इज 16.2 इंटू 10 टू द पावर 10.1। आप प्लीज़ जाके पिछला वीडियो चेक करना एरर एनालिसिस का, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हमको लिखते हैं, तो ये जो एरर है ना, इसकी हम लोग फाइनल वैल्यू लिख देते हैं, ये कुछ आएगी 2.61। तो अब हमारा रिजल्ट जो होता है ना एल बी, वो हो जाएगा ये जो x है इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, इसकी वैल्यू है 163.62 प्लस माइनस 2.61, ये हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन अब चेक करो कि जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हमारे फाइनल रिजल्ट में भी 3 ही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हमको फाइनल रिजल्ट में भी 3 चाहिए, तो ये हो जाएगा 164। कैसे हो जाएगा, हमको 3 चाहिए, इसको चेक करो, 5 से ज़्यादा है, 5 से कम है, 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले में एक ऐड कर दो, प्लस इसको भी हम लोग राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 2.6, दिस इज़ द परसेंटेज एरर, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे हमने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन के अंदर हमने एरर निकाली और एरर के रिजल्ट के अंदर कैसे राउंड ऑफ करा।